और बावजूद इसके कि सारा मुल्क वहां की गैस से मुस्तफीद हो रहा था, वहां के लोगों को, वहां की रिसोर्सेज को पूरे पाकिस्तान में, और अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान जो कि गैस पैदा करता था उसकी मेजॉरिटी को गैस नहीं मिलती थी। उसके बाद जब हमने जरा सा होश संभाला, जब हम क्रेड कॉलेज में थे 8वीं में, तो हमें ये पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ की मुंतखब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की हुकूमतों को बरतरफ कर दिया और वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। सर वो दिन है और आज का दिन है कि हमने बलूचिस्तान को सुकून में नहीं देखा। बलूचिस्तान हमारी पार्टी की नज़र में, हम इसमें यकीन रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के, जो सियासी मसाइल होते हैं उनको सियासी तौर पे हल करना चाहिए। ताकत के इस्तेमाल सबसे आखिर में होता है और ख़ास तौर पे जब आपके अपने मुल्क के लोग हों जो कि उनकी जो भी रंजिशें हैं, जो भी उनकी शिकायात हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, उस पे उनको एंगेज किया जाए। पहले मुख्तलिफ थे हालात, वहाँ से सरदारों ने सियासी तौर पे बलूचिस्तान को लीड किया, लेकिन आज बलूचिस्तान बदल चुका है चेयरमैन साहब। बलूचिस्तान में जो यंग लोग हैं उनकी कुछ मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। जो आजकल की जनरेशन है, यंग जनरेशन, ये ब्लैक एंड वाइट में देखती है, ये ग्रे एरियाज में नहीं जाती, जबकि हमारी जनरेशन के लोग, हम इधर ज्यादा फिरते थे ग्रे एरियाज में। नतीजा ये हुआ है कि वहां पे एक इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हो गई है और हम आए दिन ये बातें सुनते हैं कि बलूचिस्तान में कभी मारंग बलोच का नाम हम सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं, कभी ये धरना हो रहा है, कभी ये हो रहा है। बलूचिस्तान में जो इलेक्शंस हुए वो हम जानते हैं कि वो किस तरह हुए, जिस तरह पूरे मुल्क में हुए, लेकिन बलूचिस्तान में तो एक और ही लेवल था, जिसकी वजह से वहां के लोगों में एक बड़ा इस्तराब पाया जाता है। और इस इस्तराब की वजह से ये सारी जो वो है एक माहौल बन गया है, वो न बलूचिस्तान के हक में है न पाकिस्तान के हक में है। हम नहीं समझते कि किसी भी चीज का रास्ता तशद्दुद के जरिए इख्तियार किया जाए, लेकिन इसीलिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, हमारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इदारे होते हैं, तो हम जैसे आम लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान का जो लैंड मास है वो तकरीबन 800 से लेकर 1400 किलोमीटर तक के डिस्टेंसेस पे जगह हैं और इतना वेल कोऑर्डिनेटेड एक दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जिसमें कि कोई एक पॉइंट नहीं था, जिसमें कि इतने उसे था, ये क्या था, जिसमें कि लसानियत की बुनियाद पे आया, कोई लसानियत को प्रमोट करना चाहता है, फिरकावारियत के लिए प्रमोट करना चाहता है, क्या है पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, अगर आप पंजाब में भी देख लें तो वहां की पुलिस जो के बरसरे पैकार रही है पिछले 1.5 साल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, लीडरों को उठाने में उनके घरों में गए हैं, उनकी खवातीन को बेइज्जत किया है, हर तरह का जुल्म ढाया है। तो दूसरी तरफ जो कच्चे के इलाके में हुआ पुलिस के साथ, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं कि पुलिस जो जवान थे उनको लाइक अ सिटिंग डक उनको मार दिया गया, और जो आईजी पुलिस हैं वो एक शख्स की बरामदगी पे, वो भी पता नहीं मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, वो मुबारकबाद और वो ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं,
आया, आईजी साहब हमें यह बताना चाहेंगे कि आम लोगों पे तो आप उनके घरों में भी जा सकते हैं, उन पे आप जुल्म भी कर सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको बेइज्जत कर सकते हैं, लेकिन जो जिस मकसद के लिए आपको बनाया गया है और वो है कि आपने चोरों डाकुओं से आपने अपने आम आवाम को बचाना है, वो उनके हाथों में, उनसे तो वो उन्होंने मुकाबला किया नहीं, या वो 20-21 लोग कीमती जाने जाया हो गई, तो आप आया प्रोफेशनली तैयार नहीं थे, या आसान है मुझ जैसे लोगों को या आम पाकिस्तानियों को घरों में से उठा लेना, अटैक कर देना, घरों में घुस जाना, ये तो आसान है, ये तो सॉफ्ट लोग हैं, सॉफ्ट के लिए आप तैयारी हैं, लेकिन जो एक्चुअली हार्ड कोर जो कि आपकी ड्यूटी बनती है वो आप नहीं करते। ये जो ये भी किसी के बेटे किसी के बच्चे थे जो पुलिस में के हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया, ये हम कैसे मान लें, हमें बताया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर या जो है अपने अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब तो यहां पे बैठे हुए हैं, वो हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि जिसमें कोई भी शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझता। एक वजह जो हमारी समझ में आती है कि इस इन वाकयात से जो बलूचिस्तान में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में, इससे तो यह जाहिर होता है कि इन किस्म के हालात में जिस तरह के सेनेटर कमरान मुर्तजा ने कहा कि ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। लीडर ऑफ द हाउस ये बेहतर तौर पे जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या वो माहौल चाहिए होता है, वो क्या इकोसिस्टम क्या है। बैठे हुए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी। अब पहले तो मैं उनके साथ हमदर्दी करता हूं कि वो ऐसे दौर में आए जिसमें कि एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जो कि लेजिटिमेसी से स्ट्रगल कर रही है। जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है इनमें लेजिटिमेसी नहीं है, और ये अल्लाह का कानून है कि हर चीज के लिए एक तरीक़ाकार रखा हुआ है। जिन लोगों को, जिन हुकूमतों को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती है वो इकोनॉमिक हजार स्टेप्स ले लें वो कामयाब नहीं होगी। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है, ये नहीं कि अपने औरंगजेब साहब, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इंतहाई नफीस और इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़ी ज़बरदस्त बैंकिंग कर रहे थे, पता नहीं उनको मुझसे मशवरा किया होता तो मैं उनको मशवरा ना देता कि वो सियासत में आए। अब आ ही गए हैं तो फिर उनको ये भी सोचना होगा कि बैंकर इकोनॉमिस्ट नहीं होता। मैं खुद बैंकर रह चुका हूं। बैंकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान जो कि हमारी हुकूमत में भी बैंकर थे, पिछली हुकूमतों में भी बैंकर थे, अभी भी बैंकर हैं। आप मुझे बताएं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब से ये आए हैं इन्होंने सिर्फ कर्जे मांगे हैं, इन्होंने सिर्फ कर्जों को रीशेड्यूल किया है। ये चाहे चाइना गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, अभी भी जा रहे हैं, मिडल ईस्ट जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए, ठीक है। तो ये इस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन में हम समझते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस पे एक पूरी तफसील से एक गुफ्तगू होनी चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है इसको अब खत्म करें, बहुत हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से हम कई अपने पार्लियामेंट्री टूल्स ला नहीं सकते हैं जिसमें एडजर्नमेंट मोशन शामिल है कि इस पे सहर हासिल गुफ्तगू हो सके। इधर सारे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हैं, हम किसी को कोई ना इस काबिल हैं और ना हम अपने आप को मजाक समझते हैं कि हम कहीं ये गद्दार है और ये पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी हैं। हम चाहेंगे कि इस हाउस में पूरी बहस हो कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको किस तरह से कंटेन किया जाए, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में। तो इसलिए मैं आखिर में यही कहूंगा कि
ये मुल्क हमारा है और इसमें एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको कॉर्नर करने के चक्कर में कानून भी आ रहे हैं, आएंगे भी, सख्ती की जा रही है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क सिर्फ पीछे जाएगा और पाकिस्तान के गरीब आवाम, उनकी हालत इजार नहीं बदलेगी, बद से बदतर हो गई है। तो इस पे मेरे बाकी कोलीग्स भी, मैं चाहूंगा कि सबको, चाहे वो अपोजिशन साइड हो या ट्रेजरी साइड हो, बलूचिस्तान के इशू पे हमें गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। शुक्रिया जी। चनार डिस्पेंस कर दिया जाए, थोड़ा सा सर मैं अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा बिजनेस है, 15 मिनट में वो हो जाएगा जी। मैं यही मैं सिर्फ आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि कल नेशनल असेंबली में इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और काफ़ी लंबा इजलास चला था। मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि जो लेजिस्लेटिव या दूसरा बिजनेस, 15 मिनट का बिजनेस है, क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दें और बिजनेस करके उसके बाद आराम से इस पे बात होनी चाहिए। लीडर हाउस पे बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हम सारे हैं। तो 10 मिनट सर, सिर्फ 10 मिनट का बिजनेस से ज्यादा नहीं है। 10-15 मिनट इसको करने दो, उसके बाद घंटा डेढ़ घंटा। मैं सर यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम क्वेश्चन जी, आप लोग राय दे सर, ये मामला जनाबे चेयरमैन, ये मामला हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे कल अर्ज किया सर, मैं एक सेकंड सिर्फ सर, मैं आपकी तरफ ही, कल कौमी असम्बली में आप लोग टीवी पे देख रहे थे, कल तवील तरीन सेशन हुआ है, रात 10 बजे से ज़्यादा गई है कौमी असम्बली और लोग बैठे रहे हैं। मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि आप क्वेश्चन आर, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा तो हमने ले लिया यहाँ पे, क्वेश्चन आर को डिस्पेंस कर दिया जाए, हाउस की सेंस ले लें अगर सारे दोस्तों को हो। जी सर, सर सवाल नहीं पैदा होता सर। नहीं सर, नहीं, हुकूमत का नहीं था सर, वो कन्फ्यूजन हो गई। हम बैठे हैं इस पे, लीडर ऑफ हाउस भी बैठे हैं जी, चेयरमैन साहब। मैंने सर जो देखो, सर इस तरह तो नहीं चलेगा ना, एक हम इस तरह, हम इस तरह एक निजाम, तो हम एक हम, आप चेक कर ले कि जब से इजलास शुरू है हमने अपोजिशन को कितना टाइम दिया है। आप ये कहें जी, उन्हें कहें बात सुन, बिजनेस भी आप लोगों का बिजनेस है, दोनों तरफ का बिजनेस है। 15-20 मिनट, आधा घंटा जी। जी मोहतरम इसाक डार साहब, लीडर ऑफ द हाउस। जी मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसाक डार साहब। एक मिनट जी, डार साहब प्लीज कंटिन्यू। देखो प्लीज नहीं करें इस तरह। शिबली साहब जी, शिबली साहब अपने लोगों को चुप तो करा दे, ये इस तरह तो नहीं चलेगा, बिल्कुल इस तरह आपको टाइम नहीं देंगे जी। इसाक डार साहब जी, डार साहब जी, ये जी जी डार साहब प्लीज। जनाबे चेयरमैन, मैं भी उसी बात, इसी जी अबड़ो साहब मौजू पे बात करने लगा हूँ। हिदायतुल्लाह साहब, सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस को, जनाबे चेयरमैन बहुत शुक्रिया, मैं भी इसी मौजू पे बात करने लगा हूँ। मौजू अभी देर बहस है लीडर ऑफ, मैं समझता हूँ दो दफा लीडर ऑफ हमारी कुछ ट्रेडिशंस हैं जी जी। एक मिनट अबड़ो साहब प्लीज, इनको फोर्स करवाएं कि इनको पता चले कि किस तरह ये हाउस चला करता था पहले। ये कोई तरीका नहीं हाउस चलाने का जनाबे चेयरमैन। मैं लीडर ऑफ दी ऑनरेबल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को जी जी, मैं ऑनरेबल ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज डिसिप्लिन क्रिएट करें, अगर उन्होंने फ्यूचर में बोलना है तो। ये कोई तरीका नहीं है, ये हमेशा इस हाउस की ट्रेडिशन रही है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ दी हाउस को जब वो माइक मांगे माइक मिलता है। और मैं कोई दूसरी बात नहीं करने लगा, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत दुखी है। एक मिनट अबड़ो साहब, जाके बाहर तकरीर कर लें आप किसी, देखो जी जी नहीं इस तरह नहीं होगा, नहीं जी जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू प्लीज डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। मैं